ग्वालियर में अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा की चेकिंग के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन लापरवाही सरेआम दिखाई दे रही है। अंचल के सबसे बड़े जयारोग अस्पताल में लगे अग्निशमन उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल होगा। ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े अस्पताल में लापरवाही का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल कौर ने। देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगने से बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया। इस घटना में 10 नवजात बच्चे मौत के मुंह में समा गए, तो वहीं कई अभी भी लापता हैं। इस भयावह हादसे के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई है। इसी बीच एमपी के ग्वालियर में अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा के निर्देश दिए, लेकिन लापरवाही सरेआम दिखाई दी। ग्वालियर के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी हो चुके हैं। अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल होगा। यूपी में झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आज बीती रात बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। वहां पर एसएनसी वार्ड में अचानक आग लग गई और आग लगने से 10 मासूम की मौत हो चुकी है। अब इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुरक्षा का वहां पुख्ता इंतजाम नहीं था? और बताया जा रहा है कि वहां पर जो अग्निशमन यंत्र थे वो एक्सपायरी थे, और यही वजह है कि हम पहुंचे हैं ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े जयारोग अस्पताल में इसका रियलिटी चेक करने के लिए। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अग्निशमन यंत्र है वो एक्सपायरी है। ये देखिए डेट आप 29/5/2024 को ही ये एक्सपायरी हो गया है। तो सवाल इस बात का है कि अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल क्या सुरक्षित है या नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर लापरवाही यहां पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा देखी जा रही है। वहीं ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के आईसीयू में आग लगने से सितंबर महीने में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस अस्पताल में सुरक्षा के और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं। यूपी के झांसी में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आज बड़ी एक दुखद घटना सामने आई है। शिशु वार्ड में आग लगी और उसमें 10 बच्चों की मौत हो गई, और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी एसएनसीयू वार्ड हैं, इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल है उसमें जांच के निर्देश दे दिए हैं, और यही वजह है कि हम इस वक्त ग्वालियर के ट्रामा सेंटर के आईसीयू में पहुंचे हैं, जहां सितंबर के महीने में आग लगी थी। जिस तरीके से अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ फायर ब्रिगेड के हिसाब से यहाँ पर सिलेंडर लगाया हुआ है। उसकी एक्सपायरी डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है 4/9/2025 तक है, लेकिन जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नज़र नहीं आ रही, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में आईसीयू वार्ड हों या फिर एसएनसीयू वार्ड हों, उनमें सभी की निगरानी और जाँच के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। कैमरामैन संजय चन्नील के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज़।